हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो जनता का सही काम करे उसको वोट देंगे। एक एक सुलभ शौचालय, दो कमरा तीन कमरा का हो, सुलभ शौचालय बनवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। पंचायती चुनाव का दौर जारी है और जनता को लुभाने में जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। खबर है सिवान के हुसैनगंज से, जहां पर सिद्धवल पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अपार जनसमर्थन मिल रहा है। वहीं वहां पर मौजूद एक रिटायर रेलवे कर्मचारी ने बताया कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए तथा वह एक कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के विकास का कार्य करे तथा उनके सुख दुख में साथ हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोट लेने वाला से ज़्यादा तेज वोट देने वाला है और जनता सब कुछ जानती है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। साथ ही साथ सिद्धवल पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार संदेश शाह के समर्थन में नारेबाजी भी जमकर की जा रही थी। सिद्धवल के जितने भी मेरे सम्मानित लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा का साथ रहा है मेरे ऊपर और लोगों का भी आशीर्वाद है, और जब तक युवा जुड़े हैं उनको भी ये लग रहा है कि युवा ही कुछ कर सकता है, इस वजह से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मेरा काम तो ये होगा कि हर एक वार्ड में लोग जो रोड पे बैठ रहे हैं या उधर उधर बैठ रहे हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग पहले शौचालय का यूज कीजिए, और दूसरी बार स्कूल का भी विजिट करेंगे कम से कम महीने में एक आध बार, कि क्या वहाँ पे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या खाना उनको मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहेगा मेरा। आदर्श पंचायत बनाने की शुरुआत आप करेंगे? जी बिल्कुल, अगर जनता मुझे मौका देती है तो बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि उस तरह से हो पाए अपने पंचायत। आज समर्थन देखा गया, लोग आपके नारे लगा रहे हैं आपके लिए, ये समर्थन कहीं ना कहीं बदलाव के रूप में दिख रहा है? बिल्कुल, जनता चाह रही है कि बदलाव हो, क्योंकि आप देख लीजिए पूरे पंचायत में घूम के कहीं भी विकास नहीं हुआ है। अभी हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ है। देखिए वो रोड की स्थिति आप देखिए, नाला जल नल का भी स्थिति देखिए, उधर सब है, कुछ हुआ नहीं है। मैं सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग, मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, 8 नंबर पे है, आप लोग मुझे एक बार सेवा का मौका दें कि मैं जीतूं और ये इन सारी योजनाओं को मैं आप तक सीधे पहुंचा पाऊं। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो जनता का सही काम करे उसको वोट देंगे, समझे कि नहीं। वोट लेने वाला से वोट देने वाला चलाक है, किसी को था नहीं चलता है कि कहाँ पंचायत में परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, एकदम। और ये कहना तो नहीं चाहिए कि यहाँ का जो खड़ा बनी चुटुबल मुखिया का लग यहाँ का लग इतना कॉपी सिटी पंचायत में हम लोग चर्चा देख रहे हैं कि यूथ बना रखे। हाँ एकदम, और यहाँ का लगे इतना कॉपी सिटी है, हम लोग जानते हैं कि अगर सरकार कोई फंड देंगे तो अपने परिवार से 10-20 हजार। आप किनका नाम लेके कह रहे हैं ये बात है? आप किनको इस तरह दे रहे हैं? इनको नाम से बताए, संदेश शाह जी को। इनके में सारी कैपेसिटी आपको दिखती है कि ये सब कोई मदद करते हैं? हाँ, हाँ, अभी चुनाव से पहले भी? हाँ हाँ, पहले भी करते हैं, अभी भी इनके पास, समझे कि नहीं। हम लोग जानते हैं पंचायत के विकास इनकी इनके माध्यम से होगा, ये उम्मीद आप लोग लगा के रखे हैं? एकदम निश्चित। क्या ये मन भी बना चुके हैं अब की बार इनको चुनना है? हाँ। अच्छी बात है। चाचा आपका नाम क्या होगा? जनार्दन ओझा। आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र रेलवे का, हम रिटायरमेंट आदमी हैं, 85 बरस हमारा उम्र रेलवे से हो रहा है, 45,000 पेंशन। सभी जनता जनार्दन को हमारे तरफ से बहुत अति नमस्कार। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से पिछले बार दुलार पियर दिए थे, इस बार भी ऐसा करें कि कुछ नया हो और बदलाव हो। और संदेश मुखिया युवा पीढ़ी के उम्मीदवार हैं, इनको इतना भारी मत से विजयी बनाए ताकि पूरा पंचायत पूरा हिल जाए। भैया ये जितना कर दिए हैं शायद कोई मुखिया जीत कर करेगा।
इतना लॉकडाउन में गरीबों का मदद करना, पूरा घूम घूम के देखना कि कौन कैसा है, किसके साथ क्या हो रहा है, सब किए हैं। जैसे जहाँ तक भी कोई अगर बीमारी वाला आदमी है उसको भी मदद किए हैं। इसलिए सब जनता से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर संदेश शाह को भारी मत से विजयी बनाए। जिनका चुनाव चिन्ह है चेमनी छाप, चेमनी छाप, तो याद रखी चेमनी छाप क्रमांक संख्या 8 पर, भूले के नहीं खे ना भुलाए के बाद चेमनी छाप बटन पर दबावे के बाद। क्या क्या लगता है संदेश शाह जी ही क्यों इनको जनता चुनेगी? अरे जनता यही लगे सुन ले कि पर के चुनाव में दो नंबर पर है, एक नंबर जो है वो कुछ भी काम नहीं किया है। इसलिए सब जनता को हम लोग का समर्थन है कि जो दो नंबर से निकला उसको एक नंबर में हम लोग डालें। पंचायत में कोई भी कार्य नहीं हुआ है? बहुत कम हुआ है, अपना मुँह देख कर किया है। हमारे 6.5 नंबर वार्ड में नल जल का कारोबार हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ। पाई बिछवे इस बार कोई नूतन होगा और अगला मुखिया, ये मुखिया हम लोग को ना रहते हुए भी सब गरीबों को कोरोना टाइम में सबको साबुन, मांस, चावल जितना सके उतना सबको बांटे, खर्चा किए, काम किए, गरीबों को 10,000-5,000 मदद करते हैं। सभी समुदायों का समर्थन मिल रहा है। हाँ, इनको सबको मिल रहा है, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो। हाँ हाँ हाँ, सब सब सब।